आपकी बहुत मेहरबानी कि हमारी आवाज़ बन के आप खड़े हो गए हो। तो उम्मीद ये है कि हमारी गवर्नमेंट भी, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी हमारी बात सुनेगी, क्योंकि हम इस चक्की में पिस रहे हैं। हमें किसी को 14 साल, किसी को 10 साल हो गए। बहुत हम लोगों ने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बहुत सारी हमने बहुत सारा एहतजाज किया है, लेकिन हमारी आवाज़ पता नहीं क्यों गवर्नमेंट के कानों तक अभी तक नहीं पहुंच रही। अब जैसा कि सोमिया सदफ इलेक्शन में खड़ी हुई थी, DDC इलेक्शन में, तो हमने एहतजाज किया था कि अगर वो यहाँ की नेशनल है तो हम क्यों नहीं हैं। उस पर गवर्नमेंट ने एक्शन उठाया कि गवर्नमेंट ने उसकी अकाउंटिंग रोक दी गई। मुझे बताएं, गवर्नमेंट तब कहाँ थी जब यहाँ की पाकिस्तान की लड़कियाँ सरपंच बनी, पंच बनी है, तब गवर्नमेंट कहाँ सुन रही। और आज हमें मतलब ये फाइनल हो गया है कि गवर्नमेंट हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि आप हमें रिपोर्ट करें, क्योंकि हमारी एम्बेसी आपसे हर महीने हमारी डिमांड करती है। हर महीने वहाँ से एक लेटर निकलता है जो हिंदुस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री को जाता है कि भाई हमारी लड़कियों का आप कोई फैसला करें, या उन्हें एक्सेप्ट करें या उन्हें वापस करें। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट कोई जवाब नहीं दे रही है। अब आप हमें बताएं, हम किस, हमारे बच्चे जो है वो किस मतलब गुनाह की सज़ा ले रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सज़ाएं भुगत ली, लेकिन हम नहीं चाहते हमारे बच्चे जो है वो इसी की जो है वो सज़ा वो भुगतें। गलती अगर हमसे हुई है, हमने एक कश्मीरी से शादी की है, शादी तो सोनिया गांधी ने भी की है, वो तो यहाँ जो है वो हुकूमत में है, लेकिन हम लोगों को यहाँ की मतलब नेशनलिटी तक नहीं दी जा रही है। हमारा यही एक इल्तिजा है गवर्नमेंट को कि हम लोगों की जो है ना इतनी जो है वो इज्जत अफजाई ना करें, आप हमें वापस ही भेज दें। बुशरा बात करेंगी। हमारी मतलब पाकिस्तान मुजफ्फराबाद से ताल्लुक रखती है सोनिया सदर, वो इलेक्शन में खड़ी हुई है। इलेक्शन में खड़ी होती है तो फिर उनकी काउंटिंग रोक दी जाती है। उनकी काउंटिंग रुकने का मकसद ये है, वो हमारे प्रोटेस्ट का जवाब है। जवाब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मतलब कि वो हमें सिटीजनशिप नहीं देंगे। हमें तो यही जवाब मिलता है इससे। मुझे बताएं कि पहले आपने उनको इलेक्ट किया, फॉर्म उनके आपने फिलअप किए, वो लिए आपने, उन्होंने जब फॉर्म सबमिट किए, फिर उनको ये बताया जाता है कि फॉर्म 6 पे आपने जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। आपकी आंखें उस वक्त बंद थी जब आपने उनसे फॉर्म लिए हैं, तब आपने ये नहीं देखा कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। फिर आपने उनको कैसे इलेक्ट किया, उनकी वोटिंग हुई, फिर उसके बाद आपने काउंटिंग रोक दी। ये सब हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ठीक है। हमें इंसाफ चाहिए। अगर आप लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमें आप डिपोर्ट कर दें। वो जवाब हमें मिल चुका है कि हमें सिटीजनशिप यहाँ की नहीं मिलेगी, तो हमें ये बताया जाए कि हमें कब डिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि रोज रोज हम लोग ऐसे सड़कों पर निकल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम इंडियन गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें डिपोर्ट कर दें, हम अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। सही बात करेंगे। आप सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर मीडिया का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको जैसे पता है कि हमने तकरीबन 2-3 दफ़ा पहले भी हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आए, यहाँ पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और मुतअद्दिद बार हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है, लेकिन गवर्नमेंट हमें कोई जवाब नहीं दे रही है कि हम लीगल हैं, हम इलीगल हैं। अगर हम इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए यहाँ पर कोई ला है ना, ला होगा, ला के मुताबिक आप हमें जेल में बंद कर दें। देखिए, सजा तो हमने काट ली है, 10 साल, 12 साल, 15 साल का अरसा। लास्ट ईयर में ही थोड़ा 2-3 महीने पहले इनके बाबा की डेथ हुई है। आप बताएं, इन्होंने उनका मुंह नहीं देखा, उनका जनाजे में ही शिरकत नहीं कर सकी है। तो इससे बड़ा जुल्म हमारे साथ क्या है कि जीते जी हम अपनों से दूर हो गए हैं। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक वाक्या बताती हूँ। 2013 में मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही थी, तो जॉब के दौरान स्कूल का स्टाफ देखता था कि आप क्यों अपसेट हैं, हर वक्त आप परेशान रहती हैं। मैंने कहा, जाहिरी बात है, पेरेंट्स की याद आती है। तो उन्होंने एक स्टाफ एक्सकर्शन रखा टेटवाल साइड पे, जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है। तो वहाँ पे हम लोग गए, तो मैंने अपने घर वालों को कॉल की, मैंने कहा आप वहाँ पे आ जाइए दूसरी साइड, तो मैं आपको देखूंगी, क्योंकि पानी का काफ़ी शोर है, काफ़ी बड़ा वहाँ पे दरिया है। तो पेरेंट्स दूसरी साइड खड़े थे, 70 ईयर्स ओल्ड मेरे फादर की एज है, उनके हाथ में स्टिक थी, वो दूसरी साइड थे, मेरी सिस्टर थी साथ में, मेरी मदर थी। तो मैं दूरबीन से उनको देख रही थी, तो मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं दरिया में छलांग लगाऊं तो मैं अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाऊं। मुझे स्टाफ वालों ने पकड़ा हुआ था कि आप ऐसी हरकत मत करना। तो वो लेटर लिख के पत्थर के साथ बांध के इस साइड लगा रहे थे, हम उस साइड लगा रहे थे, तो मैं उनकी हैंड राइटिंग चूम रही थी।
मतलब इतनी हमें परेशानी है कि हम जीते जी अपनों से क्यों इतना दूर है। तो यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस को मैंने मिनते की कि मुझे एक दफा पुल के पास जाने थे, पुल पे आधे रास्ते तक वो आएंगे, मैं एक दफा अपने माँ बाप को गले लगाना चाहती हूँ। तो आप खुद सोचे कि ना हमारा कोई जुर्म है, ना हमने कुछ किया है, कश्मीरियों से शादियां की हैं, हम यहाँ पे आए हैं, तो हमें क्यों नहीं वापस जाने दिया जा रहा। फिर हम इंडियन गवर्नमेंट से क्वेश्चन ये करते हैं कि आप हमें बता दें कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो यहाँ पे लॉ है, उस लॉ के मुताबिक आप हमें जेलों में भरें, हमें सजा दें, उसके बाद आप हमें अपने वतन डिपोर्ट कर दें। आप दोनों में से एक काम कीजिए, आप बताइए, हम इंडियन नेशनल हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम नेपाली हैं, हम हैं क्या हैं? आप ये क्यों नहीं आके बताते हैं कि हम क्या हैं? हमें नेशनलिटी नहीं दे रहे तो हमें आप डिपोर्ट कर दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हमारी कुछ खवातीन बेवा हो चुकी हैं, कुछ को डिवोर्स हो चुकी है, तो आप बताएं कि वो किसके दरवाजे पे जाके बैठेंगी? मर्द के बगैर यहाँ पे औरत क्या कर सकती है अकेली? मैका हमारे साथ है नहीं है, और काफी औरतें जो है हमारी, उन्होंने खुदकुशी कर ली है। तो हम ये गवर्नमेंट से हम ये कहेंगे कि अगली दफा हम निकलेंगे, हम बच्चे लेके निकलेंगे, हम रोडों पे बैठेंगे, हम वापस जाने वाले नहीं है, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या हमें डिपोर्ट कीजिए या हमें नेशनलिटी दीजिए। आप मुझे ये बताएं, मतलब मेरा गवर्नमेंट से यही सवाल है कि हमारे बच्चों का क्या कसूर है? हमारे बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है ना, यही मतलब हर मुल्क का भविष्य जो है वो बच्चे होते हैं। तो अगर हमारे बच्चों के साथ ये बिहेव किया जाएगा तो ये मतलब यहाँ का या वहाँ की मतलब क्या इसका रिजल्ट निकलेगा? कल को ये लोग भी जो है वो उसी रास्ते पे जाएंगे जो रास्ते मतलब बहुत लोगों ने इख्तियार किए, छोड़ दिए, तर्क कर दिए उन रास्तों को, लेकिन फिर कल ये भी उसी रास्ते पे जाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ कश्मीर हमें बिल्कुल सेफ नहीं लगता है, हमारे लिए ये सेफ नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता है कल को हमारे साथ यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है। क्योंकि हमें ये कहते हैं कि आप इलीगल इमिग्रेंट्स हो, इस वजह से इन्होंने ये बात बोली। जो भी बात है, मतलब हम गवर्नमेंट को कहते हैं, अगर हमें इनको कोई मतलब फील होता है कि हम कुछ और हैं तो हमें उसी तरह ट्रीट करें, लेकिन ये जो जिंदा रह के, या तो हमें मतलब वो बता दें कि आपका यहाँ क्या बनेगा, कुछ नहीं वो बताते हम लोगों को। अब हम लोग ये करेंगे कि हम लोग जो है वो बॉर्डर के करीब जाएंगे बच्चों को लेके, अगर हमें गवर्नमेंट नहीं बताती हम जहर खाएंगे, लेकिन ये हम दुनिया में अपना नाम हम दिखा के जाएंगे कि यहाँ की गवर्नमेंट मतलब कितनी जालिम है, हमारे बच्चों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे भी वही रास्ता अपनाएं जो मतलब बाकियों ने अपनाए। मुझे बताएं, हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ भी अमन रहे, वहाँ भी अमन रहे, लेकिन ये